गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है विस्टास। उसके अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, और अब हम समझेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट 2। तो आज हम समझेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 का। अब इसके पहले हमने बताया था आपको कि तिशानी दोषी, जो इस चैप्टर की राइटर है, उसने ये बताया था कि अगर हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अध्ययन करना है तो हमको कहाँ जाना होगा? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर। वहाँ पर जाकर के हम पृथ्वी पर होने वाला जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उन सब का इफेक्ट हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। किस प्रकार लेखिका गई उसको हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में उसका ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका हैज एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ। मतलब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो किस चीज का प्रूफ देता है, किस चीज की एविडेंस देता है? अर्ली लाइफ, जब अर्थ पर सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी उस तक का प्रूफ कौन देता, कहाँ से मिलता हमको? अंटार्कटिका से मिल जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स, बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अब यहाँ पर तिशानी दोषी बोलती है कि अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक यानी भूगर्भी घड़ी जो मिलियन ईयर है वो पहले से चल रही थी, तो अगर हम जब मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन सिविलाइजेशन वहां पर 12,000 वर्षों का एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, अगर 650 मिलियन ईयर एगो के कंपैरिजन में देखें, तो 12,000 वर्षों का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का टाइम है वो जियोलॉजिकल क्लॉक पर बहुत कुछ सेकंड्स का है, 12 सेकंड के बराबर अपनी अहमियत रखता है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम we have managed to create quite a ruckus etching or our dominance over nature with our villages, towns, city, mega cities। अब क्या बोलती है कि इस छोटे से अमाउंट में, इस छोटे से टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस है उन सब ने बहुत ज्यादा अपने आप को लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइजी वातावरण बना दिया, डोमिनेंस कर दी नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर अपनी डोमिनेंस शोज की। हमने विलेजेस बनाए, टाउन्स बनाए, सिटीज, मेगा सिटीज बनाए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। अब बोलती है कि बहुत तेजी से ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ी, उससे क्या हुआ कि जो बाकी की जो स्पीशीज थी, बाकी के जो जीव जंतु और दूसरी स्पीशीज थी, उनने हम लोगों से लड़ाई ही एक प्रकार से छोड़ दी, क्योंकि जो पृथ्वी पर रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। और हम लोगों ने क्या किया, फॉसिल फ्यूल, जितने जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इस टाइप से, इन सबका अनमिटिगेटेड मतलब बिल्कुल कंटिन्यूअसली हमने इनको बर्निंग जारी किया, मतलब अपने निजी स्वार्थों के लिए लिमिटेड सोर्सेस में से हमने फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा यूज करना चालू किया, जिससे क्या हो गया कि इनके फॉसिल फ्यूल या फ्यूल की बर्निंग से क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, और जब ये CO2 रिलीज होती है तो ये जो ब्लैंकेट, ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये अर्थ के चारों ओर क्या क्रिएट करती है, ब्लैंकेट, एक कंबल के आवरण की तरह कार्य करती है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जिससे क्या होता है, निश्चित तौर पर भले धीरे धीरे, लेकिन ये निश्चित है कि वो जो ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको बढ़ा रही है। मतलब ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल और इन सब चीजों का यूज हो रहा है, जिसके कारण एक CO2 का लेयरिंग हमारी अर्थ के ऊपर इकट्ठी हो रही हो। जब ये CO2 की लेयरिंग होती है तो CO2 की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सन की जो हीटिंग लाइट, इंफ्रारेड लाइट है, उनको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
यहाँ पर वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। इस समय क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा हॉट इश्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा चर्चे का बिंदु बना हुआ है कि पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट विल डिसरप्टेड? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? मे बी नॉट। अब बोलती है कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग बन रहा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारे जो पोलर साइड की जो आइस है वो क्या होगी? मेल्ट होगी। और उसके कारण क्या सच में जो अंटार्कटिका की आइस शीट है वो मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे, या गल्फ स्ट्रीम ओशन का जो करंट है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा? क्या हम सब मिलकर के अर्थ वर्ल्ड का एंड कर रहे हैं, पृथ्वी को नष्ट होने पर ले जा रहे हैं? शायद शायद नहीं भी। ईदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और ये सही बात है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इस समय इन सारी डिबेट का, सारे वाद विवाद का सबसे पहला कारण बना हुआ है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इन इट्स आइस कोर हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि अंटार्कटिका सिर्फ पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके कारण बहस का मुद्दा है, बल्कि इसलिए भी कि अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, जो आइस कोर्स है, जो आइस के बड़े बड़े बल्जेस वहां पे हैं, इनके बीच में कई सालों पहला, बहुत मिलियन पहला कार्बन रिकॉर्ड। कार्बन रिकॉर्ड कैसे बोल सकते हैं कि इसकी बर्फ की परतों के बीच में जो जीव दब जाते हैं या उनके जो जीवाश्म जो फॉसिल्स बन जाते हैं उसका सारा रिकॉर्ड अंटार्कटिका के पास मौजूद है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्कस करें और समझें, तो अंटार्कटिका क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर हमें जाना चाहिए। मतलब अंटार्कटिका में जाकर हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द शोलास्की एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट। अब इस प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम में मैं रन कर रही हूँ, इसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि तिशानी दोषी किस टाइप के प्रोग्राम में जा रही थी, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको मैंने किसके साथ किया है, शोलास्की जो शिप है एकेडमिक, उसमें किया था। और वहां पर हमारा क्या उद्देश्य था कि हाई स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं उनको वर्ल्ड के एंड में ले जा करके और उनको बहुत अच्छे इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, जिससे कि वो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है और हमको उसको किस प्रकार से रोकना चाहिए, और उन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करें ताकि हम अपनी प्लेनेट को क्या करें, रिस्पेक्ट कर सकें। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ हेडेड बाय कैनेडियन जियो ग्रीन। और ये जो ऑपरेशन, ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस का जो ऑपरेशन था, जो काम था, वो किसके द्वारा किया जा रहा था? एक कैनेडियन थे जिनका नाम था जियो ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। इसके पहले वो बच्चों को वहां अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ले जाने के पहले क्या करते थे, जो फेमस सेलिब्रिटीज होते थे, जो रिटायर्ड पर्सन होते थे,
जो बहुत अमीर लोग होते थे, या लोग जो बहुत जिज्ञासु लोग होते थे, क्यूरियोसिटी सीकर मतलब जिज्ञासु, ऐसे लोगों को ले जाते थे। लेकिन क्या होता था, वो जा करके देख करके समझ के और वापस आ जाते थे, लिमिटेड वे में वापस आ जाते थे। मतलब उन्होंने वहां जाके कोई खास प्रयास नहीं किए। लेकिन विद स्टूडेंट्स ऑन आईज ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर ऑलरेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। अब जियोफ ग्रीन इन सारे लोगों को जब ले जा चुके तो उनको ऐसे निराशा लगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को किसके साथ रन किया, स्टूडेंट्स ऑन आइस के नाम से, हाई स्कूल के साइंस वाले बच्चों के साथ। उनका ये मानना था कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ी है, वो क्या करेगी, आगे जाकर पॉलिसी मेकर्स बनते हैं और वे ही जीवन के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस को वहन करते हैं, और इस एज में वो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। अब्जॉर्ब मतलब इमेंसली इमर्ज, मतलब बहुत ज्यादा डूब के उस चीज को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इसको बचाने के लिए एक्ट यानी कार्य चालू करेंगे, कार्य योजना करेंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। और ये रीजन इस चीज की सक्सेसफुल क्यों थी, क्योंकि ये था कि ये कहीं नहीं जाएंगे, साउथ पोल में जाएंगे और वहां पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई अफेक्ट नहीं करेगा। इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आई आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग ऑन द कंफर्ट जोन फॉर अवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब कहती है कि ये बहुत इजी है कि हम अपने कंफर्ट जोन, हम अपने आरामदायक कमरों में बैठ करके और किसकी बातें करें, पोलर आइस की मेल्टिंग की बातें करें, पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के बिंदुओं पर चर्चा करें। ये बहुत सरल है, हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें, ये अपने हम कंफर्ट जोन में बैठ के कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। लेकिन इसके विपरीत क्या बताना चाहती है दिशानी दोषी, बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस सेल्स कोलैप्सिंग, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। लेकिन यानी आप इन्हीं चीजों को विजिबली देखोगे, आप वहां जाकर महसूस करोगे कि कैसे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, कैसे आइस शेल्स कोलैप्स हो रहे हैं, तब आपको रियल में, आपको रियल थ्रेट, जो एक वास्तविक जो डर है ग्लोबल वार्मिंग का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको बहुत वास्तविक लगेगा। अर्थात किसी भी चीज को कंफर्ट जोन में बैठ कर डिस्कस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उस सिचुएशन में जाकर उस चीज की रियलिटी को समझें। फूड चेन ऑफ द सी, अब वो बताती है कि यहाँ पर अंटार्कटिका के जो जीव है, फ्लोरा फना है, वो किस प्रकार से फूड चेन बनाते हैं। तो अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। अब वो क्या बोलते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर इकोसिस्टम जो है, मतलब उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक का जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो बहुत सिंपल है। लैक ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा जैव विविधता नहीं पाई जाती। तो एक ऐसी जगह है जहां पर हम देख सकते हैं कि अगर छोटा सा चेंज भी हम एनवायरमेंट में करते हैं, तो उसको हमको एक छोटे से चेंज का भी बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन। अब वो कहती है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन यानी एक प्रकार के उत्पादक प्रोड्यूसर हैं, जो माइक्रोस्कोपिक यानी सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर फाइटोप्लैंक्टन है, जो क्या करते हैं, किसको फूड पूरे सी पर, अंटार्कटिका की जो सी है उस पर क्या करते हैं, पूरे ग्रास के समान, पूरा एक इनका एक बेड टाइप का बिछा हुआ है, जो क्या प्रोवाइड करता है, पूरे जीवों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इन सबको क्या देता है, भोजन देता है, फूड देता है, और इसकी फूड चेन का सबसे अहम हिस्सा है। यदि फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो
तो बाकी की सारी फूड चेन अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। दी सिंगल सेल्ड प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये सिंगल सेल होकर के भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सन एनर्जी के थ्रू क्या होता है, फूड निर्माण किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, और उस भोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी के जीव खाते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया है इन्होंने, फोटोसिंथेसिस। यानी सन एनर्जी को यूज करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा, और ये फाइटोप्लैंकटन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाकी जीवों को प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंकटन, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मैराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। अब साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी क्या दी है कि जो ओजोन लेयर हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर एक लेयर है, ओजोन लेयर, जो कि हमको यूवी रेज, जो कि बहुत फाटल रेज होती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ज्यादा ज्यादा सीएफसी के यूज से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, मतलब खिसकती जा रही, कम होती जा रही है। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, ओजोन लेयर कम होती जाएगी, पृथ्वी का एक आवरण घटता जाएगा, तो क्या होगा कि फाइटोप्लैंकटन की एक्टिविटीज प्रभावित होंगी। और अगर फाइटोप्लैंकटन की कमी हुई या इनसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, तो क्या होगा, आगे फर्दर नरिश जो बाकी जीवों को मिल रहा है मैरीन सिस्टम के, वो नहीं मिल पाएगा। और अगर बाकी जीवों को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो अंटार्कटिका की जो फूड चेन है वो पूरी कोलैप्स हो जाएगी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अब हमें अगर फाइटोप्लैंकटन की इंपॉर्टेंस को समझना है और उनको बचाना है, तो एक बहुत बड़ी कहावत हमारे पास है इनके स्थायित्व के लिए, कौन सी, कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। आप किसी बड़ी चीज को सुधारने के लिए मत सोचो, आप छोटी छोटी चीजों की केयर करना सीख लो, बड़ी चीजें अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएंगी। इसका मतलब हमें छोटे छोटे इश्यूज जो है, जो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको सुधारना चाहिए, तब हम बड़ी चीजों को सुधार पाएंगे। तो बच्चों ये है पार्ट सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे।